हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग रिव्यूज़ एंड क्यूज़ में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड गोल्डन की पॉइंट्स। दोस्तों, इसका मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड भी बनाया है। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे हों वो देख ले, ये हमारा पार्ट थर्ड है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके ही लाइक से मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अपना आंसर जरूर दें। उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। द मिट्रल वाल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन टू द लेफ्ट आट्रियम। द मिट्रल वाल्व इज ऑल्सो नोन एज द बाइकस्पिड और लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। जो मिट्रल वाल्व है उसे बाइकस्पिड और लेफ्ट एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं। द आट्रिया ओनली हैव टू पंप ब्लड इन टू द वेंट्रिकल, दियर वाल्व्स आर रिलेटिवली थिन। जो आट्रिया होते हैं चेम्बर्स, उनकी वॉल वेंट्रिकल्स के मुकाबले थिन होती है। द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर द थिकेस्ट ऑफ एनी ऑफ द चेम्बर ऑफ द हार्ट, बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अगेंस्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर कार्य करता है, इसीलिए इसकी वॉल जितने भी चैम्बर्स होते हैं उनके मुकाबले मोटी होती है। द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल आर थिकर देन दोज ऑफ द आर्ट्रिया, बिकॉज द राइट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द पुलमोनरी सर्कुलेशन। हार्ट का राइट वेंट्रिकल चेम्बर जो होता है वो पुलमोनरी सर्कुलेशन के अगेंस्ट वह ब्लड को पंप करता है, इसलिए जो आर्ट्रियाज होते हैं उनके मुकाबले राइट वेंट्रिकल का जो वॉल होती है वो मोटी होती है, थिकर होती है। क्रैकल्स इन द लंग्स आर ए क्लासिकल साइन ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का क्लासिकल साइन है लंग्स में क्रेकल साउंड का होना। द मोस्ट एक्यूरेट एरिया ऑन द बॉडी टू एसिस डिपेंडेंट एडिमा इन ए डिब्रिडेंट क्लाइंट इज द सेक्रल एरिया। डिपेंडेंट एडिमा को हम देखने के लिए सेक्रल एरिया का टेस्ट करेंगे। सेक्रल और डिपेंडेंट एडिमा इज ए सेकेंडरी टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर। सेक्रल और डिपेंडेंट एडिमा सेकेंडरी साइन है राइट साइडेड हार्ट फेलियर का। एडिक्वेट डीएक्टिवेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय द लीवर आफ्टर राइट साइडेड हार्ट फेलियर लीड्स टू फ्लूड रिटेंशन विच कॉज ओलिगुरिया। एडिक्वेट यूरिन आउटपुट पोलियूरिया एंड पोलीडिप्सिया आर नॉट एसोसिएटेड विथ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। द इंट्रा आर्टेरियल septum divides the arterial chamber helping them to contract and force blood into the ventricles below. The right and left atria
serve as volume reservoir for blood being sent into the ventricles. Weight gain, nausea, and decrease in urine output are secondary effects of right-sided heart failure. Right-sided heart failure होने के बाद body में क्या effect देखेंगे? Weight gain होगा, nausea होगा, and decreased in urine output. Urine output कम हो जाएगा. ये सब secondary effect होंगे right-sided heart failure के. Cardiomyopathy is usually identified as a symptom of left-sided heart failure. Left-sided heart failure का main symptom क्या मिलेगा? Cardiomyopathy. Left-sided heart failure causes primarily pulmonary symptoms rather than systemic ones. Angina pectoris does not cause weight gain, nausea or decrease in urine output. Angina pectoris में weight gain, nausea and decrease in urine output नहीं होता है. An increased PR interval is indicative of a first degree atrioventricular block. Atrioventricular first degree block में PR interval inadequate होगी. Normal sinus rhythm and sinus arrhythmia produce normal PR interval. यदि normal sinus rhythm होगा तो PR interval भी normal होगी. The PR interval, if present, is less than 0.12 second in accelerated junctional rhythm. An aortogram clearly delineates the vessels and any abnormalities. An abdominal aortic aneurysm will only be visible on an X-ray if it is classified. Abdominal aortic aneurysm को आप X-ray के द्वारा classify कर सकते हैं. Hypertension should be avoided or controlled in a client with an abdominal aortic aneurysm, because it can cause the weak vessels to rupture. Aortic aneurysm का एक main cause है hypertension. Hypertension से जो हमारी blood vessels होती है उनकी जो wall होती है वो weak होने लग जाती है और वह बाद में rupture हो जाती है, जिससे aneurysm, aortic aneurysm हो जाता है. Cardiac arrhythmia are not directly linked to an abdominal aortic aneurysm. Cardiac arrhythmia जो है वो directly abdominal aortic aneurysm से linked नहीं होता है. Computated tomography scan and ultrasound does not given a direct view of the vessels and don't yield as a accurate diagnosis as the aortogram. Rupture of an abdominal aortic aneurysm is a life-threatening emergency. Abdominal aortic aneurysm के rupture होने पे वह life-threatening emergency हो सकती है. The aorta lies directly left of the umbilicus. जो aorta होती है उसकी position क्या होती है? Umbilicus के left में.
When assessing a client for an abdominal aortic aneurysm, the area of the abdomen that is most commonly palpated is the middle lower abdomen to the left of the midline. Continuous pressure on the vessel's walls from hypertension causes the walls to weak and an aneurysm occur. कंटिन्यूस जो ब्लड वेसल्स होती है हाइपरटेंशन के कारण उन पर प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण वो वीक हो जाती है और वो देन एनिरिज्म में कन्वर्ट हो जाती है. एथेरोस्क्लेरोटिक चेंज कैन अकर विद पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज एंड आर लिंक्ड टू एनिरिज्म बट द लिंक इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज द हाइपरटेंशन. A bruit is a vascular sound that reflects parietal arterial occlusion. जो bruit sound है वो किसको reflect करता है? Parietal arterial occlusion को reflect करता है. Severe lower back pain indicate an aneurysm rupture secondary to pressure being applied within the abdominal cavity. सीवियर बैक पेन किसको इंडिकेट करता है? एनिरिज्म रप्चर को. यदि एनिरिज्म रप्चर है तो आपको क्या करना है? सेकेंडरी प्रेशर बीइंग अप्लाइड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी पर आपको प्रेशर बना के रखना है. ब्लड प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड व्हेन एन एनिरिज्म रप्चर. एन्यूरिज्म रप्चर के कारण ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा. क्यों होगा? क्योंकि ब्लड लॉस. आफ्टर एन एब्डोमिनल aortic aneurysm रप्चर द वस्कुलर इज इंटरप्टेड एंड ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट सो ब्लड प्रेशर डजंट इंक्रीज. एब्डोमिनल aneurysm रप्चर होने के बाद ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं हो पाता है. The red blood cell count is decreased after the abdominal aortic aneurysm rupture because the vascular is rupture because the vasculature is interrupted and blood volume is lost. The white blood cell count increases after the abdominal aortic aneurysm ruptures. A cell migrate to the site of injury. दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने जो आपको क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दिया था उसका आंसर मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद. दोस्तों अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलता रहे. साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू. गुड बाय.